होता है नॉर्मल, लेकिन मैं क्योंकि सब कुछ लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि आपके अम्मी अब्बू ने आपको छोड़ दिया शादी के लिए, नहीं ऐसा। Assalamualaikum guys, welcome back to YouTube channel, welcome back to the new vlog। कैसे हो भाई? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा एहसान है। तो भाई रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा है, जैसे तुम लोगों को पता है मैं रोज़े छोड़ छोड़ के रखती हूँ, यू गाइस नो व्हाई। तो सिम भी माशाल्लाह से ठीक है, बस वो कभी कभी बच्चा होता है ना कि हो जाता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो अभी मुतसिम का वो फेज चल रहा है कि कभी तो इतना अच्छा बच्चा बन जाता है कि मैं बोलती हूँ भाई मेरा लाल, फिर बोलता है अम्मा को ऐसा लाल कर लूँगा तंग करके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने औलाद दी है, उसका अल्लाह पाक का एहसान है। और बस इस रमज़ान अल्लाह पाक जिनके घर में बच्चे नहीं हैं उनको बच्चे दे, आमीन आमीन आमीन। तो यार सीधी सी बात ये, और यार मुझे ना एक और बात बतानी है तुम लोग को, ये मेरा अपना ईमान है ठीक है, ये हर इंसान का अपना होता है ना। तो मैं बताऊँ तो जब मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, मैं नमाज के बाद ना एक वजीफ़ा पढ़ती थी, आई डोंट रियली रिमेम्बर कि वो मेरे पास है या नहीं है, बट आई थिंक होगा, मैं ढूंढूंगी, मेरे को मिल गया तो मैं डेफिनेटली बताऊँगी, बट पता नहीं वो किधर है, मेरे को याद नहीं पड़ रहा। मुझे याद है मैंने अपने फ़ोन में रखा था, मैंने वो पढ़ा था, अब पता नहीं अल्लाह पाक की तरफ से था या क्या था, शायद चलो तो नमाज़ पढ़ा करो ठीक है। मैं क्या बोल रही थी, अभी हम लोगों को करना ये कि मुतसिम सो गया है, अल्लाह का शुक्र है, वो वैसे तो उठ गया, वैसे बच्चा सोता है। इस मुतसिम का ये कि उसने अपनी रात की रूटीन बना ली, वो रात को सोता है ठीक है, वो रात को 11-12 बजे सो जाता है, फिर वो सुबह 7-8 बजे उठता है, या बीच में रात में जो दूध के लिए उठता है वही उठता है, वरना तो वो भी नहीं उठता कभी कभी। तो अभी हम ये करते हैं कि हम नहा धो लेते हैं, और ना मुझे अपने नाखून भी काटने, क्योंकि ना वैसे मेरे नाखून ना मेरे पास इतना हो जाता है कि मुझे ना नेल कटर नहीं मिलता, मैं सोचता हूँ मैं नाखून काटूँ तो अपनी खाल भी काट देती हूँ साथ में। नहा के नमाज़ पढ़ के अच्छा सा प्यारा सा तैयार हो जाते हैं, तो चलो आ जाओ फिर तैयार हो जाते हैं। चलो तो जब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, और गाइज आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार दिखाने के लिए। और अगर तुम लोगों को लग रहा है कि कोई बात है जो वालिया छुपा रही है, हाँ मैं छुपा रही हूँ, मैं क्या छुपा रही हूँ, मैं ये छुपा रही हूँ कि मैं बाल और कटवा रही हूँ, मैंने हाथ को नहीं बताया अभी तक और ना मैं उसको बताऊँगी, मैं उसका पिछला वाला सीन करूँगी कि बाल उड़ा के उसको फिर दिखाऊँगी, क्योंकि यार बहुत मसला हो रहा है मुझे बालों के साथ। माशाल्लाह से मेरे बाल हेल्दी हैं और ऐसी बात नहीं है कि कोई मसला है उनके अंदर, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बाल हेल्दी हैं, लंबे हैं, घने भी हैं, लेकिन ना मसला ये है कि ना मुतसिम के साथ बालों को संभालना बहुत मुश्किल है, जूड़ा बांधती हूँ सर में तकलीफ रहती है, फोन ही बांधती हूँ बाल उसके मुंह पे लगते हैं, तो मैंने सोचा मैं बाल उड़ा दूँगी उनके को लिखते से करवा लूँगी। तो अब उसके बाद हो सकता है कि हाथ भी गंजा हो जाए, आई डोंट माइंड सेम गंजा, तो है चलो। लेकिन यार अभी से ही ना अजीब सा लग रहा है, सही है। तो आज की अफ्तारी पे आहार नहीं होगा, तो हमें करना ये कि जो है ना क्या होगा पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है ठीक है उसकी अफ्तारी का। तो अभी हम लोग नहावा लेते हैं, फिर सोचते हैं अफ्तारी में क्या बनाना है। चलो आ जाओ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो ईद से पहले, ओके गाइस, वो मेरी ईदी ठीक है, तुम लोगों की तरफ से वो मेरी ईदी। चलो तो अभी बच रहे हैं 8, रोज़ा खुले हुए काफ़ी देर हो गई है ठीक है ना, मतलब काफ़ी देर हो गई है, रोज़ा खुला था 6:45 पे और घर में कोई भी नहीं था, क्योंकि जब मैंने नमाज़ वगैरह में नमाज़ पढ़ के जब मैं नहा के आई हूँ तो मैंने नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ने के बाद मुतसिम बहुत रो रहा था, मतलब बहुत रो रहा था, तो उसके बाद उसने रोना बंद नहीं करा, क्योंकि पता नहीं वो भी उसके थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम चल रहा है गम्स का, तो वो इस वजह से कर रहा है, डॉक्टर ने बोला विच इज़ नॉर्मल। लेकिन मैं क्योंकि सब कुछ ही ऑलमोस्ट तुम लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मैंने बोला कि क्यों ना, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होंगी जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स होता होगा। मुझे एक कमेंट आया था कुछ, अभी मैं उसको देखने के बाद ही मैंने सोचा कि मैं शॉर्ट लाजमी डालूँगी
कि ये ना अरे माश वाओ नहीं हाँ ये लिखा हुआ था कि अरे वाओ आपके तो ना सास है ना ससुर है, कितनी आज़ादी की ज़िंदगी है। इट्स नॉट ऑल अबाउट आज़ादी। मैं अभी तक मेरा रोज़ा था, मैंने इफ्तारी नहीं की थी क्योंकि ना मुहतसिम चुप नहीं हो रहा था और घर में कोई था भी नहीं। ऑफ़ कोर्स आई कांट ब्लेम आहर क्योंकि मुझे पता है वो भी काम के ऊपर है, और अगर मैं उसको कॉल करके बोलती तो वो सब कुछ छोड़ के आ जाता, क्योंकि जब कल मुर्तसिम की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो सब कुछ छोड़ के आ गया था। और जब मैं कल बहुत लो फील कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मैंने उसको कॉल पर बोला, उसका बगैर सहरी का रोज़ा था जबकि कल मैंने उसको कॉल पर बोला ना कि तुम ना प्लीज़ आ जाओ मुझसे अब नहीं हो रहा, तो वो उसने अफ्तारी भी नहीं की थी और वो आके और वो आने के बाद मेरे साथ लगा रहा पूरी रात, क्योंकि कल मुर्तसिम बहुत रो रहा था तो मैं सो गई थी, तो उसने बगैर सहरी का रोज़ा रखा था कल। और हाँ दिस वे मोर गुड गाय किसी और से, और मतलब ऐसे कभी होता है ना तो बेटियाँ होती हैं उनको अपने माँ बाप का घर याद आता है, तो बेटियाँ होती हैं उनको अपने माँ बाप का घर बहुत ज़्यादा याद आता है। लेकिन मैं एक बात सच बताऊँ तो मैं कुछ भी नहीं छुपाती। मैं लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि आपके अम्मी अब्बू ने आपको छोड़ दिया शादी के लिए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही है। लेकिन मेरे जो अब्बू हैं वो बहुत टाइम से बाहर मुल्क में, इट्स लाइक अ सेपरेशन मेरे मॉम डैड के बीच में, तो वो बाहर मुल्क में है तो वो मेरी अम्मी अलग रहती हैं, बाबा बहुत कम पाकिस्तान आते हैं, कभी कभी उनकी शक्ल देखने को मिलती है सालों में। मैंने उनको बहुत टाइम पहले देखा था, बहुत टाइम हो गया, मतलब बहुत टाइम जब वो आए थे, मैंने क्या हमारी पूरी फैमिली नहीं, तो दैट इज़ सो नॉर्मल कि ये वजह है जो मतलब। और मेरी मामा ऑन कैमरा नहीं आती, ठीक है वो थोड़ा सा उनका है तो उसने ऑन कैमरा नहीं आती, इसलिए मैं अगर उनसे मिलती हूँ बस अब्दुल को दिखा देती हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। लेकिन मैं उससे भी नहीं मिल पाई हूँ क्योंकि मुर्तसिम अपनी नानों के घर गया था, लेकिन वो बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था क्योंकि उसको नई जगह की आदत थी, क्योंकि मैं कहीं आने मैं शुरू से भी आदत है मैं घर में रहती हूँ, मैं जब कुंवारी भी थी तो मेरी आदत थी कि मैं घर में रहती थी और ना मैं कहीं आती जाती नहीं थी, या हद तो मेरी आदत बहुत पसंद थी कि ये लड़की ना कहीं आती जाती नहीं है। मेरी शुरू से आदत थी मैं घर में रहती थी, बहुत रेयर होता था कि अपनी फैमिली के साथ चली गई, जैसे अभी बहुत रेयर होता है कि मैं आपके साथ कहीं चली जाऊँ, वरना मैं किसी के साथ भी नहीं जाती। तो ज़िंदगी सबकी आसान नहीं होती अगर देखा जाए, अगर मुझे शौहर अच्छा मिला तो बाकी पार्ट्स में मेरी लाइफ बहुत मुश्किल है, मैं बताऊँ तो इतनी मुश्किल है कि आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन आप नहीं कर पाते। और मैं कभी भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी कि हद वाहिद रीज़न है जो मैं ठीक होती हूँ, मैं खुश होती हूँ, अगर वो नहीं होता तो लाइफ बहुत मुश्किल हो सकती थी, इतनी मुश्किल के माइट भी मैं लाइक मैं ऐसी नहीं होती, मैं ऐसी हो जाती कि तुम लोग लाइक तुम लोग उनको भी देख ही नहीं पाते। अब आई होप तुम लोग समझ जाते कि कितनी मुश्किल हो सकती थी ज़िंदगी अगर आहत नहीं होता, क्योंकि आहत अपनी छोटी छोटी चीज़ें करके मुझे खुश रखने की कोशिश करता है और वो इतना मैटर करता है ना लाइफ में कि अगर वाकई में वो ना हो। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना कि लाइक योर हस्बैंड सिक्स ईयर्स ओल्डर देन यू और समथिंग लाइक दिस, के ना उसने आपको मैनिपुलेट किया है, ही इज़ अ ग्रेट गाय। मैं सच बताऊँ तो अहद तो कभी मुझे स्वीट लड़के पसंद थे, अहद तो वैसा था भी नहीं जैसा वो लड़के मुझे पसंद थे, क्योंकि मेरे डैड बहुत स्वीट थे, सबके साथ बहुत अच्छे से रहते थे, और अहद की आदत है कि वो सबके साथ बहुत रूड रहता है, बस उसका ये होता है कि वो अपनी फैमिली को अच्छे से रखे और लाइक अपनी वाइफ को खुश रखे। उसने मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ना चेंज कर दिया था लाइफ को लेके, और ही इज़ अ ग्रेट गाय। मेरे को पता है मैं जब ये वीडियो बाद में देखूंगी मेरे को बहुत बहुत हंसी आएगी कि मैं कैसे रो रही हूँ,
मैं बहुत कम रोती हूँ, ये बात आहत को पता है। मैं जब वाकई में बहुत भर जाती हूँ, मैं जब रोती हूँ, जो कि अभी आहत काम पर है क्योंकि रमज़ान है, तो आहत की शॉप है तुम लोग को पता, तो उसका बहुत, उसके ऊपर बहुत बर्डन होता है रमज़ान में। रमज़ान में ऐसा हो जाता है कि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाती दो दो दिन, कि वो घर ही नहीं आ पाता, उसको काम पे इतना टाइम हो जाता है। तो मैं बस ये पता नहीं मैं क्यों बना रही हूँ, बस इसलिए बना रही हूँ कि मैं भी नोटिस कर रही थी कि अगर आहत मेरी लाइफ में ना हो तो मैं वाकई में कुछ भी नहीं कर सकती, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। तो हमने खजूर खाई थी और नाउ अब मैंने बिरयानी मंगाई है बाहर से, शायद अभी आने वाली होगी तो मैं वो खाऊंगी। कि मुर्तसिम अभी अभी सोया है, अभी बज रहे हैं 8 बज रहे, मुर्तसिम जस्ट अभी अभी सोया है। तो यार मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मैं रो क्यों रही हूँ, वो आ जाए फिर खा के देखते हैं। मुझे पता है जब बाहर ये अगर उसने व्लॉग देखा, उसके पास टाइम हुआ तो वो वाकई में मेरे को बोलेगा पागल तुम ऐसे रोती क्यों, क्योंकि मुझे वो बोलता तुम रोया मत करो, मुझे कॉल कर दिया करो, जो भी मसला हो मैं कुछ भी करूँगा, मैं आ जाऊँगा। बट मैं उसको परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी अपनी बीवी बच्चे के लिए कमा रहा है, वरना वो क्यों नहीं चाहेगा कि वो भी घर में बैठे सुकून से। बट अल्लाह पाक उसके कारोबार में बरकत दे। और यार बोलूँ रोना धोना नहीं करो बेवकूफ़, अभी तो ईद आ रही है। तो चल के मैं जल्दी से अपने अफ्तारी का जो है वो खा लेती हूँ, इससे पहले कि मेरा चुननिया मुननिया उठ जाए। ठीक है चल। तो मैंने कर ली थी अफ्तारी, ठीक है ना। और अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, देखो इसको कुछ नहीं मना बोलो ना, छेड़ मलंगानू बहुत थका हूँ, इसको नहीं पता है वो बात अभी, ठीक है। क्या? लेकिन हम इसको बताएंगे कुछ टाइम बाद। मैं तुम्हें ना अभी इसके बाद एक शॉर्ट दिखाऊंगी, नहीं आ रही होगी इसे। मैं तुम्हें इसके बाद ना एक शॉर्ट दिखाऊंगी। क्या? मैं वो तुम्हें, लेकिन तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे, जो तुम्हें वॉइस नोट नहीं किया था नोटे में, हमने रिकॉर्ड भी किया था। जो भी ये बोलू ये कि कोई हरकत है, बंदा वहाँ मसरूफ है, सो टेंशन होना, और तुम ये रोने वाले, फिर कॉल कर रहा हूँ तुम कॉल भी नहीं रिसीव कर रही। दादा की कसम तुम नहीं होते हो ना, मैं पागल हो जाती हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था 1 महीने तक भूल जाओ। हाँ मुझे लग रहा है ये जो 2 फिट का आदमी है ना, ये मुझे पागल कर देगा, उसको अपना बाप चाहिए होता है। मैं व्लॉग एडिट कर रही थी तो मैंने तुम्हारी आवाज़ इससे कान पे लगाई। फिर बोलूँगा ना छेड़ मलंगा लूँ और थका। तो गाइस ये था आज का बहुत ही कोई बुरा दिन, बुरा दिन नहीं था, बट हाँ ये है कि वही बात है ना, आपको छोटा मासूम बच्चा होता है ना, उसको एक चीज़ की आदत पड़ जाती है। तो मैं भी वही बच्चा ही था कि अभी मुझे आहत की इतनी आदत पड़ चुकी है ना कि उसके बगैर चीज़ें करने बहुत ऑफ सीन लगता है। तो अभी कुछ औरतें बोलेंगी जब इतना ही कोई नन्नी थी तो शादी क्यों करी भाई। ठीक है मैं नहीं हूँ मच्योर, ठीक है मैं, आप बोल दो कि अपने मियाँ के बोले कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल ही उस पर डिपेंडेड हूँ। हाँ तो हूँ, हाँ तो इसी के बाद करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप उन लोगों का व्लॉग बहुत आगा पसंद, आज का व्लॉग काफ़ी इमोशनल हो गया था जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बट इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे ऊपर अपना रहम करे, आप पे भी अपना रहम करे। अपने अपने कपड़े तो ले लिया करो यार, मैं लंगड़ी हुई हूँ फिर भी तू ये गंदे कपड़े क्यों ले आती है, ओ ओ खबीस। ये देखो जरा वो देख, वो भी गंदा सूट उसका, ये उठा, लंगड़ी हुई भी है लेकिन हम लोग लंगड़ेपन से बाहर नहीं आएगी। तो गाइस साथ इसी के साथ व्लॉग को मैं पकड़ते हैं एंड। अपना रखो ध्यान बहुत सारा, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। कैसे बोलती हूँ ऐसे तो नहीं बोलती मैं, ऐसी बोला तुमने, तौबा करो इतनी। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। हाँ बोल, मैं फॉर्म में नहीं था तो गाइस चलो ठीक है, जब तक अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।